तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का पोकेमोन थंडर में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एस और लियोन के बैटल के बारे में कि एस और लियोन के बैटल किस तरह से होने वाला है। इस बैटल में एस कौन से फेनोमेना का यूज करने वाले हैं, क्या एस सभी फेनोमेना का यूज करेगा इस बैटल में लियोन के अगेंस्ट, एंड एस के कौन से पोकेमोन लियोन के कौन से पोकेमोन से बैटल करने वाले हैं, वही हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में एकदम डिटेल में। तो आज की इस वीडियो में आपको सबको कुछ नया जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, एंड वीडियो को पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर देना। एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करें एस और लियोन के बैटल के बारे में, तो एस का पहला पोकेमोन होगा पिकाचू, जो कि हमने प्रीव्यू में देखा है, और लियोन का पहला पोकेमोन होगा सिंड्रेन। यहीं पे एक फैक्ट बताता हूँ, लियोन का जो पहला पोकेमोन है सिंड्रेन, जो कि एक फायर टाइप का स्टार्टर पोकेमोन है, एंड लियोन का जो आखिरी पोकेमोन होगा वो भी एक फायर टाइप का स्टार्टर पोकेमोन होगा, जो की होगा चारिज़ार्ड। और एस का पहला पोकेमोन होगा पिकाचू, एंड लास्ट पोकेमोन वो भी होगा पिकाचू। तो अब बैटल में आते हैं, तो पिकाचू और सिंड्रेस के बीच बैटल होने वाला है, जिसमें पिकाचू का थंडरबोल्ट सिंड्रेस कैसे डोमिनेट कर रहे हैं हम देख सकते हैं, क्योंकि सिंड्रेस के पास एक एबिलिटी है टाइप चेंज करने का, इसलिए पिकाचू के अटैक से बच रहा है। बट पिकाचू इतना स्ट्रांग है कि वो सिंड्रेस को हरा देगा इस बैटल में। एंड उसके बाद लियोन का सेकंड पोकेमोन होने वाला है मिस्टर राइम पोकेमोन, और एस पिकाचू वापस बोलेगा उसके बदले भेजेगा गेंगर को, और मिस्टर राइम गेंगर के बीच बैटल होने वाला है, जिसमें गेंगर बर्फ में जम गए हम प्रीव्यू में देख सकते हैं। एंड मिस्टर राइम के वजह से गेंगर को बहुत ज्यादा मुसीबत होगा, बट गेंगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, गेंगर इस बैटल को जीत लेगा। एंड उसके बाद लियोन का थर्ड पोकेमोन होने वाला है एंटेलियन पोकेमोन, एंड एंटेलियन पोकेमोन बहुत ज्यादा हंगामा करने वाले हैं, क्योंकि एपिसोड के टाइटल में एंटेलियन का पावर का हिंट दिया गया है, जिस तरह से सिंथिया के स्प्रिटूम पोकेमोन का पावर का हिंट दिया गया था इस एपिसोड में। तो अब एंटेलियन और गेंगर के बीच बैटल होने वाला है, जिसमें गेंगर तो बहुत ज्यादा थका हुआ है पहले से, इसलिए गेंगर इस बैटल को हार जाएगा। एंड यहीं पे एक और फैक्ट, लियोन ने जो तीन पोकेमोन यूज किया है, पहले सिंड्रेस, उसके बाद मिस्टर रैम, और उसके बाद एंटेलियन, ये तीन वो पोकेमोन है जो की लियोन ने कभी रिवील नहीं किया है। लियोन इन तीन पोकेमोन को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं एस के सामने पहली बार। एंड उसके बाद एस का थर्ड पोकेमोन होने वाला है ड्रैगनाइट पोकेमोन, एंड ड्रैगनाइट एंड एंटेलियन पोकेमोन के बीच बैटल होने वाला है, जिसमें ड्रैगनाइट शायद से जीत जाएगा एंटेलियन को हराकर। एंड उसके बाद लियोन का नेक्स्ट पोकेमोन होगा ड्रैगनपुल्ट पोकेमोन, और ड्रैगनपुल्ट और ड्रैगनाइट के बीच बैटल होने वाला है, एंड मेरे हिसाब से इस बैटल में ड्रैगनाइट हार जाएगा। एंड उसके बाद एस का नेक्स्ट पोकेमोन होगा ड्राकोबिस पोकेमोन, और ड्राकोबिस और ड्रैगनपुल्ट के बीच बैटल होने वाला है, एंड शायद से ये बैटल टाई भी हो सकता है, या फिर ड्रैगनपुल्ट भी हार सकता है, या फिर ड्राकोबिस भी हार सकता है। ज्यादा चांस है कि इस बैटल टाई हो जाए या फिर ड्रैगनपुल्ट हार जाए। एंड उसके बाद लियोन का नेक्स्ट पोकेमोन होने वाला है रिलाबूम पोकेमोन, एंड लियोन का रिलाबूम पोकेमोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ड्राकोबिस को हरा देगा। और उसके बाद एस नेक्स्ट पोकेमोन होने वाला है सार्फेज, एंड सार्फेज एंड रिलाबूम पोकेमोन के बीच बैटल होने वाला है। बट यहीं पर हम सार्फेज को देख सकते हैं कि सार्फेज बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है किसी सैंडस्टॉर्म अटैक से, तो शायद से सार्फेज और कोई पोकेमोन से बैटल करेगा रिलाबूम को छोड़ के। एंड उसके बाद लुकारियो आने वाला है, एंड लुकारियो और रिलाबूम पोकेमोन के बीच बैटल होने वाला है। अगर इस बैटल में एस सभी फेनोमेना यूज करते तो एस लुकारियो को मेगा एवोल्व करेगा, एंड मेगा एवोल्व लुकारियो एंड रिलाबूम पोकेमोन के बीच बैटल होने वाला है। एंड लियोन का रिलाबूम पोकेमोन कितना स्ट्रॉन्ग है आपको तो पता ही है, लुकारियो को बहुत ज्यादा डैमेज देगा। एंड अगर दोनों ही ट्रेनर एक ही फिनोमेन के यूज कर सकते हैं तो ये बैटल नॉर्मल होगा, लुकारियो वर्सेस रिलाबूम, जिसमें रिलाबूम पोकेमोन हारने वाले है, चाहे वो कितना स्ट्रॉन्ग हो, लुकारियो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रिलाबूम से। एंड लियोन का लास्ट एंड आखिरी पोकेमोन होगा चार्जर, एंड चार्जर जाइजेंटमैक्स हो जाएगा, और उसके बाद चार्जर और लुकारियो के बीच बैटल होने वाला है। एंड इस बैटल में चार्जर को बहुत डैमेज देगा लुकारियो, बट लुकारियो नहीं जीत पाएगा इस बैटल को, लुकारियो हार जाएगा क्योंकि रिलाबूम से बैटल करके डैमेज हो गया है। एंड उसके बाद फाइनल बैटल होगा एस के पिकाचू और लियोन के चार्जर के बीच, एस यहीं पिकाचू के साथ जिम यूज करेगा, और लुकारियो पहले से चार्जर को बहुत ज्यादा डैमेज दिया है, एंड पिकाचू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से पिकाचू जिम यूज कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि लियोन का चार्जर डेफिनेटली हारने वाला है। तो हाँ गाइस, ये था मेरा प्रेडिक्शन कि एस और लियोन के बैटल किस तरह से होने वाला है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, एंड अगर ये रिव्यू प्रेडिक्शन आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे वीडियो के साथ, अंटिल देन पीस आउट।